अस्सलाम वालेकुम। दानिशवा एक कॉमन इशू या एलिगेशन इस्लाम के अगेंस्ट रेस की जाती है कि औरतों के ऊपर सख्ती की जाती है, जैसे बुरका पहनना ज़रूरी होता है और सख्ती की जाती है, और औरतों के ऊपर फ़र्ज़ है और उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो बुरके के लिहाज आप अगर आप एक्सप्लेन करें तो हम किसी को अगर किसी ने एलिगेशन लगाई है इसके बारे में तो हम उनको कैसे एक्सप्लेन करें कि औरतों को बात यह है कि सिर्फ एक ही सख्ती है औरतों पे, बुरका पहनना है। सख्ती मर्द की। मर्द सख्त, जो सख्ती पता क्या होती है, जोर। किस किसी को नो सख्त, किसी को तुम प्रेशराइज करना, सिर्फ एक बात तो नहीं ना है, और बहुत सारी बातें हैं। मर्द जो हैं वो तो कहता है मैं बाहर निकलूं तो टाई पहनी हो, सूट पहना हो, अच्छा ड्रेस हो है। औरतों को तुम कहते हो कि वो जो बाहर निकलें तो वो टी शर्ट में पहनी हो, टाइट जीन हो, जिनका लिबास अच्छा ना लगता हो। हालांकि पुराने ज़माने में औरतें अच्छी, जो औरतें होती थी ना, नेक औरतें और ख़ानदानी औरतें हैं, वो अच्छे लिबास ढके हुए लंबी मैक्सी पहन के फिरा करती थी। बात यह है कि इस्लाम ने बहुत सारे हक भी दिए हैं ना औरतों को। इस्लाम ने कुरान करीम में जो हक हैं पहले नहीं दिए जाते थे, मसलन कि औरत ने शादी की है, अगर तलाक लेनी है तो सिर्फ मर्द को हक होता था पहले। बल्कि अब तक ईसाइयों में, अब तक हाल से 19th सेंचुरी, बल्कि 20th सेंचुरी तक, 20वीं सदी तक, ईसाइयों में भी औरतों को हक नहीं था तलाक या डिवोर्स लेने का। ठीक है, कुरान करीम ने 1400 साल पहले एक हक दे दिया, ठीक, मर्दों को रोक दिया कि औरतों पे सख्ती नहीं करनी, नरमी का सलूक करो हैं, सिवाय इसके कि बहुत ही कोई बेहया हो जाए, वो एक अलहदा किस्सा है, बस बातें हैं। फिर औरतों को अभी तक यहाँ भी, ईसाइत में भी और इन यूरोपियन मुल्कों में भी, विरासत का कानून नहीं था। विरासत पता है, अब तक किसी का इनहेरिटेंस का कानून नहीं था। कोई मर जाता था किसी का बाप, तो उसके बच्चे अगर दो लड़के और एक लड़कियां हैं, दो लड़कियां और एक लड़का है, तो लड़के को सारी प्रॉपर्टी चली जाती थी, बेटी को नहीं मिलती थी। ठीक है, लेकिन कुरान करीम ने शुरू से हक दे दिया। ठीक है, और बहुत सारे औरतों के हकूक अल्लाह ताला ने दिए। आंसर उन्होंने फरमाया कि औरतों पे सख्ती ना करो, मारो ना हैं, और बाकी लिबास है, कुरान शरीफ में लिबास लिखा हुआ है, हर एक का कोई एक कोड होता है, औरतों के लिए एक ड्रेस कोड है। ठीक है, लिबास का एक मयार है। ठीक, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें औरतों को चाहिए कि अच्छा लिबास पहन के देखें, ताकि जो मर्द तुम मैच्योर हो रहे हो, तुम्हें पता है बाज़ बातों को, स्कूल में भी सुन लेते होगे, बाज़ बच्चे इनको नहीं भी पता, औरतों को गंदी नज़र से देखते हैं। ठीक है, इसलिए अगर वो लिबास में, अच्छे लिबास में होंगी तो उनको इस तरह कोई नहीं देखेगा। ठीक है, और वो लिबास यही था कि तुम जो अपने जिस्म के सारे ऐसे फिगर जो लोग मर्दों को अट्रैक्ट करते हैं ना, उनको ज़रा छुपा के रखो। ठीक, ये कहा है कुरान शरीफ में भी और हदीस में भी। ठीक, और यही इस्लाम कहता है। बाकी ये किसी ने नहीं कहा कि ज़बरदस्ती यूं करके मुंह बांध लो और सांस भी रोक दो और आंखें भी नज़र ना आए, जिस तरह वो तालिबान ने सख्ती की हुई है। ठीक है, ठीक है ना, मैंने पिछले दिनों में लजना में एक तकरीर की थी, वो तो इंग्लिश में तकरीर थी, तुम सुन भी समझ भी सकते हो, उसमें पर्दे की बातें बयान की थी। पिछले दिनों में एक कार्टून आया हुआ था, तालिबान ये कहते हैं कि औरतों को कार ड्राइव करने की इजाज़त भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बाहर आ जाती है और एक्सपोज हो जाती है और उसकी आंखें नज़र आ जाती हैं और चेहरा नज़र आ जाते हैं, तो ये करेंगी। ठीक, हालांकि सब बेहुदा बातें हैं, गलत बातें हैं। औरत को आज़ादी है, औरत डॉक्टर भी बन सकती है, औरत टीचर भी बन सकती है, औरत इंजीनियर भी बन सकती है, और ड्राइव भी कर सकती है। एक कार्टून आया हुआ था पिछले दिनों में कि एक कार को
उन्होंने शटल कॉक बुरका पहनाया हुआ था, है वो सारा यूं घेर के आगे उसकी जाली लगाई हुई थी देखने के लिए, नीचे उसके कैप्शन लगाई हुई थी, लिखा हुआ था कि तालिबान ने औरत को कार ड्राइव करने की इजाज़त दे दी। तो इस तरह की भी बेहूदा फजूल किस्म की बातें करते हैं लोग। इस्लाम ये कहता है कि तुम सब कुछ करो लेकिन अपने लिबास का ख्याल रखो और ज़्यादा मर्दों से मिक्स होने से बचो।